अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये क्यौसेरा का प्रिंटर है इसके मतलब मैं बताऊंगा। ये क्यौसेरा का प्रिंटर है, इसका मॉडल है FS-1020D। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी ट्रे के मतलब। ये इसकी फर्स्ट ट्रे है और ये इसकी सेकंड ट्रे। सेकंड ट्रे में हम इकट्ठे पेपर ज़्यादा रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रे वन बाई वन यूज़ करने के लिए। ठीक हो गया दोस्तों, अब मैं आपको इसके टूनर के मतलब जाता हूँ। दोस्तों ये इसका ऊपर वाला कैप है, इसको हम आराम से उठाएंगे और इसको आस्था से नीचे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका टूनर है जो ब्लैक बड़ा सा नज़र आ रहा है हमें। हम इसे आराम से बाहर खींचेंगे। दोस्तों ये इसका काफ़ी बड़ा टूनर है, दूसरे प्रिंटर की निस्बत इसमें ये प्रिंटर का छोटा साइज़ है और टूनर इसका बड़ा है। ये तकरीबन एक दफ़ा फिल हो के तकरीबन 7 से 8 हज़ार कापी आसानी से निकाल सकता है। और अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट चला जाती है या किसी वजह से पेपर इसके अंदर फंस जाता है तो पेपर हमें यहाँ नज़र आएगा, तो हम इसको यहाँ से आसानी से पेपर खींच सकते हैं। दूसरे पेपर प्रिंटर की निस्बत इससे पेपर निकालना भी बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर टूनर लगाता हूँ। ये टूनर मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब मैं इसकी बैक ट्रे के मतलब बताऊँगा। दोस्तों ये इसकी बैक साइड वाली ट्रे है। अगर पेपर इसके अंदर फंस गया और टूनर के नीचे हमें नज़र नहीं आ रहा तो इधर नज़र आए तो हम इधर से आसानी से खींच सकते हैं। ये इसकी बैक साइड वाली ट्रे है। तो दोस्तों अब मैं इसके इसको कंप्यूटर के साथ जब अटैच करना है तो इसके मतलब बताऊंगा। दोस्तों ये इसकी पैरेलल पोर्ट है, कुछ पुराने मॉडल कंप्यूटर होते हैं जिनके ऊपर इसकी ऑप्शन होती है और कुछ कंप्यूटर होते हैं जिनके साथ ये पैरेलल पोर्ट नहीं होती, वो USB पोर्ट वाले होते हैं, उसके लिए ये पोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये USB के लिए और ये पैरेलल के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका टेस्ट पे अगर हमने निकालना हो तो टेस्ट पेपर के लिए हम इसकी फर्स्ट ट्रे ओपन करेंगे, इसमें पेपर रखेंगे और ये ग्रीन वाला बटन चंद सेकंड प्रेस करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये अपना टेस्ट ट्रे निकाल देगा। ये इसका टेस्ट पेज है। ठीक है दोस्तों, ये इसका टेस्ट पेज है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।